आइए दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग के एपिसोड नंबर 14 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी ने सुबह यहाँ पे एक हाई किया था, बाद में लो किया था, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, और बाद में यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है और अभी बैंक निफ्टी हायर हाई करते और हायर लो करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पे आप प्रॉपरली देखोगे तो ये पोटेंशियल सपोर्ट जोन भी नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ से मतलब उसने सपोर्ट लिया था, सो एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा और एक नया हायर हाई फॉर्म करेगा, है ना दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, अभी ऑब्वियसली हमें अप ट्रेंड में बाय साइड की एंट्री ढूंढनी है। तो बाय साइड की एंट्री मतलब हमें क्या करना होगा, कॉल्स को बाय करना होगा। सो 36,200 की कॉल हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। बाय पे क्लिक करता हूँ मैं, 200 क्वांटिटीज हम हमेशा की तरह बाय करेंगे, जिसके लिए 76,000 के आसपास का मार्जिन लगने वाला है हमें, आप नीचे वो स्क्रीन पे भी देख पाओगे। और यहाँ पे ना स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ये वाला जोन एक अच्छा जोन रहेगा, क्योंकि अगर वो कंसोलिडेशन करके नीचे की ओर काट देता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी लेके जाएगा। सो दिस एरिया वुड बी बेटर फॉर आवर स्टॉप लॉस, सो वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस अराउंड दिस एरिया। ठीक है, वो देखो उसने सपोर्ट जोन को टच तो कर दिया है, यहाँ पे अभी हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक बार मुझे सिर्फ ये देखने दो, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है ना, जी हाँ रिजेक्शन तो आ रहा है। सो एंट्री कर लेते हैं हम 71.91, सो कुल मिला के 72 पकड़ो आप यहाँ पे। सो यहाँ पे आई गेस 84 ठीक रहेगा, है ना, माफ़ कीजिएगा, इसको मुझे रिमूव करके 3, 8 और 4 लिखना होगा प्रॉपरली। ठीक है, करंटली देखा जाए तो 800 रुपीस के नुकसान में ये ट्रेड चल रहा है हमारा। स्टॉप लॉस हमारे स्क्रीन पे हमने लगा के रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे ना एंट्री हमारी कहाँ पे हुई है, तो वो भी हमारे स्क्रीन पे होना चाहिए हमारे सामने, क्योंकि जब वो एरिया भी विजिबल रहता है ना तो हम फटाफट डिसीजंस भी ले सकते हैं। सो ये मैं इसको खिसका देता हूँ साइड में, एंट्री वाला जोन ये है हमारा और यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल 2-3 पॉइंट मतलब 2-3 कैंडल नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस है। करंटली देखा जाए तो 600-800 रुपीस के नुकसान में ये हमारा ट्रेड काम कर रहा है। देखते हैं दोस्तों यहाँ से अभी मतलब ये आगे कैसे परफॉर्म करता है। देखो रिजेक्शन तो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब हैमर भी बनाया है उसने, एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही वो एक्ट भी कर रहा है। देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है, 1500 रुपीस के प्रॉफिट में यहाँ पे है। ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ, करंटली 379 के पास तो आया हुआ है ये ऑर्डर, हमने डाल रखा है हमारी सिस्टम में 384 का। लेट सी दोस्तों, लेट सी, थोड़ा बहुत तो हमें मतलब इंतजार करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमने एंट्री कर ली और तुरंत अपना टारगेट आ जाएगा, है ना दोस्तों। सो देखते हैं, अभी वेट करते हैं हम यहाँ पे। करंटली देखा जाए तो कॉस्ट के आसपास या फिर 500 रुपीस तक के प्रॉफिट में ये ट्रेड हमारा चल रहा है दोस्तों। ये आया हुआ है 381, 380, 382 और ये 384, एग्जैक्टली हमारा टारगेट इसने अचीव कर दिया है। आई गेस विद इन 1 या 2 मिनट ही हमारा टारगेट अचीव हुआ होगा, लेट्स चेक। जी हाँ, 46.51 पे हमने एंट्री करी थी, 48.33 और क्लोज टू 2 मिनट्स के अंदर हमारा ये टारगेट अचीव करके गया है। काफ़ी सिंपल था दोस्तों पैटर्न, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इंट्राडे में मुझे और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं फिर से ट्रेड करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों सुबह के 11:45 हुए, मतलब 12:15 बज रहे हैं अभी, और हम बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे दोबारा आए हैं। कितने ब्यूटीफुल तरीके से बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया, देखो दोस्तों यहाँ पे, है ना, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा मतलब उसका ब्रेकडाउन हुआ है और वो अभी रिटेस्ट करने की कोशिश किए जा रहा है। एक बार यहाँ पे कोशिश हुई, दूसरी बार, तीसरी बार और 4 बार उसने कोशिश करने के बाद फाइनली एक बड़ी अच्छी मतलब रेड कैंडल के साथ उसका ब्रेकडाउन हुआ है और करंटली अभी वो उसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो इस तरह से, सो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, पुट साइड के एंट्रीज मतलब बियरिश एंट्रीज अभी मार्केट में फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, एंट्री का लेवल कौन सा रहेगा हमारे स्क्रीन पे हमें लिख देना होगा। सो ये रहेगी कहीं पे हमारी एंट्री, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा ये रहेगा, मतलब इसमें लाइन में भी ड्रॉ करके रखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आएगा ये हल्का सा यहाँ के आसपास यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। स्टॉप लॉस का भी प्लान करके रखते हैं दोस्तों। देखो उसने लाइन को तो हमारे टच कर लिया है, ठीक है, ये हम बाद में करते हैं, सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा रहेगा करीबन 36,500 की पुट मेरे ख्याल से ठीक रहेगी दोस्तों। सो 36,500 की पुट हम ऐड करते हैं, इन द मनी रहेगी ये। 200 क्वांटिटीज़ के लिए हमें 65,000 रुपीज़ कुल लगने वाले हैं। देखो यहाँ से रिजेक्ट भी कर रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ दोस्तों। चलो ठीक है, 326 पे हमें माल मिला है, 326.68 पे, एंड टारगेट 338 लगा दे, आई गेस 338 ठीक रहेगा, है ना दोस्तों। 338 में यहाँ पे लिख ही देता हूँ, अभी प्लेस नहीं करते हम सिस्टम में।
देखो दोस्तों, तो अभी वो इसको मैं कॉपी करके ऊपर स्टॉप लॉस का जोन मार्क करके रखता हूँ। सबसे पहले स्टॉप लॉस जोन रहने वाला है हमारा, और टारगेट टारगेट हम नीचे कहीं पे यहाँ पे प्लान कर सकते हैं दोस्तों। मतलब मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, ये रह सकता है हमारा एक पोटेंशियल टारगेट, ठीक है। सो यहाँ ये रहेगा हमारा टारगेट का जोन, तो वो भी मैंने लिख दिया। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो ना दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि ये मतलब इमेज जो है ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करके रखी हुई है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो चैनल। देखो मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया यहाँ पे, 338 का मतलब हमारा टारगेट रहने वाला है। सो जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया करता हूँ। आपके स्क्रीन पर ये इमेज आ रही है, देखो ये इमेज जस्ट अभी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी हुई है दोस्तों। तो मतलब वहाँ से वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनको भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। देखो जहाँ से हमारी एंट्री हुई वहाँ से वो रिजेक्ट करते हुए नीचे आने की उसकी कोशिश चल रही है दोस्तों। ये करंटली आया हुआ है 333 के पास, 338 का हमारा टारगेट है। अगर ये नीचे आता है तो विद इन 1 मिनट हमारा टारगेट है। और देखो इसने टारगेट को अचीव कर ही लिया। मैं बोल ही रहा था विद इन 1 मिनट टारगेट अचीव हो सकता है। इतना ही सिंपल है दोस्तों। देखो कितना किया हमने, 11:40 पे और 11:42 पे, 2 मिनट के अंदर ये सौदा हमारा खत्म हुआ है। और आज के दिन पे बुक किया हमने 4600 रुपीज़ का प्रॉफिट। देखो दोस्तों कितनी अच्छी रेड कैंडल वहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो यही इंपॉर्टेंस होता है प्राइस एक्शन का दोस्तों, और उसी प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके हमने आज के दिन पे 4600 का मुनाफा बुक किया दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और नया कुछ जरूर सीखने मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने मिला है, मतलब ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ऑप्शन बाइंग की, वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं मतलब चार्ट्स के पैटर्न्स, मतलब वहाँ पे जो भी मुझे फाइंड आउट होते हैं वो पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से भी आपको अच्छी लर्निंग मिल सकती है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अभी कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।